Hello viewers, this is your computer mentor CS and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS. दोस्तों आज की वीडियो में हम अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए कुछ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड MCQs को देखेंगे जो आपके बहुत फ़ायदेमंद होंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक स्टूडेंट को जिनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उनके लिए ज़रूरी है। ऐसे ही मैं अलग अलग सीरीज को लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ये पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक नॉलेज जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इस क्विज को देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और पसंद आता तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को जिसमें हम पार्ट वन में टोटल 30 क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQs को देखेंगे और आपको भी इसमें एक टेस्ट हो जाएगा कि अगर आपको आंसर पता है और नहीं है तो आप इस वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच वर्जन ऑफ MS वर्ड द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट वाज चेंज्ड फ्रॉम डॉट डॉक टू डॉट डॉक्स। MS वर्ड के किस वर्जन से जो वर्ड की फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट डॉक से डॉट डॉक्स हो गई थी? ऑप्शन है MS वर्ड 2003, 2007, 2010 एंड 2013। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी MS वर्ड 2007। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंडरस्कोर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। थर्ड क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट इज रेफर्ड टू एज बाइनरी कोड। कंप्यूटर की भाषा में किन दो डिजिट्स को संयुक्त रूप से बाइनरी कोड कहा जाता है? 3 एंड 4, 0 एंड 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0 एंड 1, यानी कंप्यूटर में 0 एंड 1 की जो सीरीज है जिसमें डाटा स्टोरेज होता है और जो कंप्यूटर भाषा समझता है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं और ये बाइनरी कोड 0 एंड 1 से ही बनता है। विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना भी होगा लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस कंपोनेंट को, किस यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, CPU या आउटपुट यूनिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM? PROM की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का ही एक पार्ट है, एक उसका टाइप है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? कंप्यूटर की भाषा में URL का क्या मतलब है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हम कोई भी वेबसाइट को जब सर्च करते हैं तो जो WW करके जो हम एड्रेस डालते हैं उसी को URL कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, यानी वेबसाइट का एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर मोशन डेटा इन कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? कंप्यूटर की कई अलग अलग इनपुट डिवाइसेस होती है जिससे हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट देते हैं, तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसमें हम मोशन डाटा यानी मूविंग डाटा को एज ए इनपुट के रूप में कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हैं? उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या कहते हैं? मॉनिटर, ट्रैक बॉल, प्लॉटर, जॉयस्टिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज द डिवाइस विच इज यूज टू इनपुट मोशन डेटा इन टू कंप्यूटर एज इनपुट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग ए बाइट इज इक्वल टू बिट्स, हाउ मेनी बिट्स?
यानी कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट कितने बिट से मिलकर के बना होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 8 bits इज इक्वल टू 1 byte. ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द राइट आंसर इज सेकेंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था. क्वेश्चन नंबर 10. माइक्रो प्रोसेसर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर की किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन. फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड ट्रांजिस्टर्स, थर्ड का आगे बताएंगे एंड फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी फंक्शंस कीज आर प्रेजेंट ऑन स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? 9, 10, 11 और 12. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 12 कीज, F1 to F12, जिनका अलग अलग काम होता है और इनमें सबसे कॉमन है F1, जो हम हेल्प के लिए यूज करते हैं. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, हमने फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ तक का देख लिया है. अभी है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किन का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स या VLSI टेक्निक? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी IC. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ICs का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंटर अलाइनमेंट ऑफ ए लाइन और टेक्स्ट इन MS Office सॉफ्टवेयर? MS Office सॉफ्टवेयर में अगर आपको किसी टेक्स्ट को या किसी लाइन को सेंट्रली अलाइन करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल ए, एल, कंट्रोल सी या कंट्रोल ई? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंट्रोल ई. कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल ई से सेंट्रल अलाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 14. डैश इज द सेंट्रल सर्वर इन कंप्यूटर नेटवर्क विच लेट्स द कंसर्न यूजर यूटिलाइज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सर्वर. ऐसा सेंट्रल सर्वर जिनका इस्तेमाल अलग अलग यूज़र स्टोरेज कैपेसिटी के लिए करते हैं, यानी उसके डाटा को एक्सेस करते हैं, जो एक शेयर्ड सर्वर होता है. एप्लीकेशन, डेटाबेस, फाइल या वेब सर्वर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फाइल सर्वर. फाइल सर्वर इज द सेंट्रल सर्वर इन कंप्यूटर नेटवर्क जिसका इस्तेमाल यूज़र स्टोरेज कैपेसिटी को, उसकी सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी का यूज करके डेटा को शेयर करते हैं और अपनी फाइल्स वहाँ पे रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. डैश इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उनमें कौन सी ऐसी है जो CPU से सबसे जल्दी और CPU के लिए सबसे फास्ट राइट करती है? CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या RAM? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. डैश इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक. जब किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है तो उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसका एक डायग्राम बनाया जाता है, उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? प्रोसेस, फ्लो चार्ट, डेटा या लीजेंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लो चार्ट. आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग,
इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा ENIAC के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। डैश वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कौन सा फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक और जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ENIAC। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU इज मेजर्ड इन। CPU की स्पीड को किस में मापते हैं जो एक CPU साइकिल के रूप में जाना जाता है? गीगावाइट, हर्ट्ज, टेराबाइट, किलोबाइट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हर्ट्ज। यानी CPU साइकिल को, जो CPU की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, उसे हर्ट्ज में मापते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज टर्म्ड एज हाफ बाइट। मेमोरी यूनिट की किस इकाई को हाफ बाइट कहा जाता है? बिट, बाइट, निबल या किलोबाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, निबल। निबल को हाफ बाइट कहा जाता है क्योंकि 8 निबल का जो साइज होता है वो हाफ बाइट यानी 4 बिट के बराबर होता है। हु डिजाइंड द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया? ऑप्शन आपके सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समरेंद्र कुमार मित्र, जिन्होंने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर कलकत्ता में डिजाइन किया था। ए सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज। हम कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइल, फोल्डर, वर्ड या प्रोजेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइल। यानी हम वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी एक डॉक्यूमेंट को जब सेव करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फाइल कहा जाता है। और फोल्डर जो होता है वो अलग अलग फाइल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी फोल्डर में हम बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। आपको MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल O या शिफ्ट O। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस N। अगला सवाल लेते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। जिस तरह से MS वर्ड के अंदर किसी भी एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल N का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की नई स्लाइड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल शिफ्ट प्लस O। सेम ऑप्शन है, क्वेश्चन अलग है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस M। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है? 8, 9, 10 या 12। सही आंसर है ऑप्शन ए, 8। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज गटर रेफर्स टू इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 में गटर किसे रेफर करता है, यानी गटर का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन, पेज साइज, मार्जिन या इक्वेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्जिन को करता है। यानी गटर का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इतना मार्जिन दे रहे हैं जो जहां पे आपका कंटेंट प्रिंट नहीं होगा, और उस डॉक्यूमेंट को अगर आप फाइल करते हैं तो वो आपका टेक्स्ट खराब नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो उतना एक स्पेस छोड़ा जाता है, जिसे गटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिल्ट इन यूटिलिटी इन विंडोज 10 अलाउज यूजर्स टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज इमेज।
विंडो 10 की ऐसी कौन सी एक यूटिलिटी है, कौन सा ऐसा एक बिल्ट इन फीचर है जिसका इस्तेमाल हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं और वो स्क्रीनशॉट एक इमेज के रूप में सेव होता है? कैमरा, कोर्टाना, पेंट, 3D स्निपिंग टूल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्निपिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। बाइनरी इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्रॉड इनपुट आउटपुट सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑन इंटरनेट कंप्यूटर्स आर आइडेंटिफाइड बाय। इंटरनेट में जब आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है तो वो किसके द्वारा पहचाना जाता है? मेल एड्रेस, कंपनी एड्रेस, आईपी एड्रेस या सीरियल नंबर ऑफ द कंप्यूटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। जो आपने देखा होगा आपके डिवाइस का, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, 192.168 या ऐसा कुछ जो होता है, अलग अलग रहता है, तो वो उस कंप्यूटर को पहचान दिलाता है इंटरनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किसका कलेक्शन है? ग्राफिक्स, वर्ड डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम्स या वेब पेजेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेब पेजेस। अलग अलग वेब पेजेस को मिलाकर के एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई जाती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत फ़ायदेमंद भी आपके लिए साबित होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल कंप्यूटर लर्निंग विद CS। थैंक यू।